टाइम्स गुड टाइम्स। जो लोग स्लिम एंड ट्रिम रहते हैं वो लोग क्या ऐसा कर जाते हैं कि जिससे कि वो लोग काफी वेल मेंटेन भी रहते हैं एट द सेम टाइम हेल्दी भी रहते हैं। देखिए, हम में से कई लोग थोड़ा स्लिम एंड ट्रिम रहने के लिए वी डू अ लॉट ऑफ हार्ड एफर्ट्स, हम बहुत स्ट्रॉन्ग डाइटिंग पे उतर जाते हैं या कुछ हम बहुत ज्यादा ही रिगोरस एक्सरसाइजेस करने लगते हैं एंड वी एंड अप स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी इन ट्राइंग टू फोर्स आवरसेल्व्स टू लूज सम वेट। तो मेरी जो ये आज की वीडियो है, ये मैं आपसे हाउ टू लूज वेट के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू शेयर सम टिप्स विथ यू विच आई हैव ऑब्जर्व फ्रॉम पीपल अराउंड मी हू रीड कि वो लोग क्या ऐसा करते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए जान लेते हैं कि वो हैबिट्स कौन से हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट हैबिट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज गाइस अबाउट ड्रिंकिंग। सारा दिन हमें थोड़ी देर में हमें थोड़ी थोड़ी पोर्शन में हमें पानी पीते रहने हैं। अब व्हाई डू वी हैव टू कीप ड्रिंकिंग वाटर? द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज दैट वी हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप आवरसेल्फ हाइड्रेटेड। दैट ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर नॉट ओनली गिव्स यू अ वेरी ग्लोइ स्किन, इट टेक्स केयर ऑफ योर ब्यूटी रिज्यूम, आपकी आईज विजन बहुत अच्छी हो जाती है। इट कम्स विद अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। द सेकेंड बेनिफिट दैट आई वॉन्ट टू टेल यू, थोड़ी थोड़ी देर में अगर हम अपने आप बॉडी को हाइड्रेट करते रहेंगे, आवर स्टमक विल रिमेन फुल। तो क्या होती है ये भूख, जो ऐसी चीज़ है, जब भी हमारी स्टमक, जब हमारी फूड कंज्यूम डाइजेस्टेड हो जाती है, तो जब वो पाउच खाली हो जाती है, वी अगेन स्टार्ट फीलिंग हंग्री। एंड वेन वी स्टार्ट फीलिंग हंग्री, डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ पे हाथ डाल ही देते हैं खाने के लिए। बट अगर आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने आप को हाइड्रेट करते रहेंगे थ्रू वेरियस फॉर्म्स ऑफ वाटर, यू विल नॉट फील द हंगर क्रेविंग्स। मैंने इसके रिलेटेड एक वीडियो भी बनाया है गाइज, आई शेयर द लिंक अगर आप मिस करके गए हैं। द नेक्स्ट थिंग, you have to avoid drinking all kind of beverages or aerated drinks. The reason being ki usme sugar content jo hai wo kafi high hoti hai, and whenever we add this artificial sugar into our body, hamari jo body ki sugar level hai wo spiked ho jati hai, and no wonder sugar jab bhi hamare body mein badhti hai that eventually ends up increasing our body. Samajh paaye ya na paaye, aapki body weight by default badhne hi wali hai. द नेक्स्ट हैबिट जो आपको ध्यान रखनी है गाइज, दैट इज अबाउट योर ईटिंग हैबिट्स। ईटिंग हैबिट्स का मतलब ये है कि जब भी आप खाना खाएं, यू हैव टू इंश्योर कि आप छोटी छोटी पोर्शंस में खाना खाएं। आप एक साथ बिंज ईटिंग ना करें, रादर यू ईट योर फूड इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, फ्रीक्वेंटली खाइए आप, बट डू नॉट बिंज ईट। इससे क्या होता है, जब भी हम बिंज ईट करते हैं, हमारी फूड जो है दैट डजंट गेट डाइजेस्टेड इन द बॉडी। हमने बचपन से यही सीखा है, हमारे पेरेंट्स ने यही सीखा है कि प्लेट में जो भी खाना पड़ा हुआ है उसे खत्म करो, वेस्ट मत करो। सो गाइस, अभी की जो थियोरी है वो बदल गई है, बिल्कुल हमें जो प्लेट पे खाना रहता है हमें उसे वेस्ट नहीं करना है, इसे थोड़ा थोड़ा पोर्शंस में लेना है ताकि हम जो भी अपने प्लेटर पे लें उसे हम खत्म करें। द नेक्स्ट टिप इज दैट whenever you are eating food, आप उस पर हाइपर फोकस मत रहिए। ये हमारी ऑब्जर्वेशन मैंने देखा है कि जो लोग स्लिम एंड ट्रिम रहते हैं वो बिल्कुल खाते खाते कुछ अदर एक्टिविटीज भी करते हैं, बट देन येस यू हैव टू बी माइंडफुल कि आप जब खाना खा रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरह से उसे च्यू करिए। यू कैन कीप वॉचिंग सम टेलीविजन न्यूज या योर मोबाइल या थोड़ी सी बुक पढ़ते पढ़ते आप खाना खा सकते हैं। अगर आप हाइपर फोकस्ड होकर खाएंगे तो आप थोड़ा और इनटेक लेते रहेंगे, खाना डेफिनेटली टेस्टी बनता है, हर किसी के घर में तो लगता है थोड़ा सा और ले ले, थोड़ा सा और ले ले, एंड योर माइंड इज फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन ईटिंग एंड ईटिंग एंड ईटिंग। सो डोंट बी हाइपर फोकस्ड जब आप खाना खाते। टिप जो ऑब्जर्व किया है दैट दे स्टॉप ईटिंग द मोमेंट दे फील दे आर नॉट हंग्री एनी मोर। जब उनको लगती है कि उनकी भूख खत्म हो गई, यस हमें जब भूख लगती है तो हम थोड़ा फास्ट खा लेते हैं क्योंकि हमें हमारी हंगर को सेटिस्फाई करना पड़ता है, बट देन द मोमेंट दीज पीपल दे फील कि उनकी हंगर मिट गई है, दे स्टॉप ईटिंग देन एंड देयर। सो इसके लिए क्या है, आपको पोर्शन भी लिमिटेड पोर्शन लेना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा पोर्शन लेंगे यू विल ट्राई टू फिनिश एवरीथिंग जो आपने अपने प्लेट पे डाला हुआ है। सो कॉन्सेंट्रेट इन योर पोर्शन एंड एट द सेम टाइम कि आपकी जब भी आपको लगे कि आपकी भूख कभी मिट गई है या आपका पेट थोड़ा भर गया है, देन यू हैव टू इमीडिएटली स्टॉप ईटिंग। एंड द नेक्स्ट टिप जो मैं बताना चाहूंगी, देखिए जब हमें बोरियत लगती है ना, हम कभी कभी बैठ के खाली खाना ही खाते रहते हैं क्योंकि करने के लिए शायद कुछ है नहीं हमारे पास। बोरियत को दूर करने के लिए भी मैंने वीडियो बनाई है जिसके लिंक भी मैं आपको नीचे डाल दूंगी द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो गाइज
डोंट ईट फॉर द सेक ऑफ ईटिंग, जस्ट खाना खाने के लिए मत खाइए कि घड़ी में 12 बज गए तो अभी मुझे खाना ही खाना है. ईट फूड ओनली व्हेन यू आर हंग्री. तो इससे क्या होता है पता है, जब आपको भूख लगती है और आप खाना खाते हैं तो वो फूड आप बहुत अच्छी तरह से खाते हैं, वो आप बहुत स्वाद ले लेके खाते हैं एंड वो आपके शरीर में भी लगती है. डोंट ओवर फीड योरसेल्फ. नेक्स्ट थिंग गाइज, जब भी आप अपना डाइट बनाते हैं खाना, इंश्योर कि आप उसमें प्रोटीन बहुत इंक्लूड करें एंड अवॉइड इनटेक ऑफ फैट्स इन योर फूड. सो जब भी आपकी जो पोर्शन आप खाते हैं आप उसमें काफ़ी सारे प्रोटीन ऐड कर लीजिए, विटामिंस मिनरल्स ऐड इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश फूड, फ्रूट, लीफी वेजिटेबल्स इन द फॉर्म ऑफ लीन प्रोटीन, जो भी आप खाना पसंद करें, लेकिन फैट की जो इनटेक है वो आप कम कीजिए. क्योंकि अगर आपकी बॉडी की अगर टेंडेंसी है फैट एक्यूमुलेट करने की, सो जो एक्सटर्नल फैट हम हमारी बॉडी में डालेंगे इन द फॉर्म ऑफ फूड, दैट विल ओनली गो एंड ऐड लेयर्स ऑफ फैट इन टू योर सिस्टम. एडिशनल फैट्स अपने बॉडी को अवॉइड कीजिए. देना प्रिपेयर रेनबो डाइट बना के आप खा सकते हैं जिससे कि आपकी बॉडी को जो भी नरिशमेंट चाहिए दैट गेट्स टेकन केयर ऑफ इन योर बॉडी. नेक्स्ट टिप गाइज, अवॉइड कंजम्पशन ऑफ जंक फूड्स एंड प्रोसेस्ड फूड. क्योंकि जंक फूड एंड प्रोसेस्ड फूड जो है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है. अगर हमने एक टाइम जंक फूड एंड प्रोसेस्ड फूड खा लिया फिर अगले दो दिन हमने डिसाइड कर लिया कि नहीं हम नहीं खाएंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट. वो आपकी वेट गेन ड्रास्टिकली कराएगी ही कराएगी. सो यू नीड टू टेक कॉन्शियस एफर्ट, कॉन्शियस डिसीजन आपको लेना है एंड अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है दैट यू हैव टू अवॉइड टेकिंग ऑल काइंड ऑफ जंक फूड्स एंड स्पेशली द प्रोसेस्ड फूड जो फ्रीज में भरे भरे रखे जाते हैं. यस, ये इजी तो नहीं है बट ये डिसिप्लिन हमें सेट करनी है कि अब से हमें ये ग्रेजुअली वी हैव टू स्टॉप इट. आप अपनी वीकली आप ये रूटीन को ले सकते हैं. आप एक वीक के लिए स्टॉप कर दीजिए कि मैं प्रोसेस्ड फूड नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी. ग्रेजुअली आप 1 week, 2 weeks, 3 weeks कर करके आप अपने लिए रूटीन सेट कीजिए. देखिएगा इन नेक्स्ट 1 to 2 months दिस विल बी टोटली आउट ऑफ योर लिस्ट. नेक्स्ट स्टेप है गाइज, यू हैव टू स्टे माइंडफुल. और ये माइंडफुल आप तभी हो पाएंगे जबकि आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे. अभी आप सोचेंगे कि ये मेडिटेशन के साथ खाने का क्या संबंध है? बहुत बड़ा संबंध है. संबंध यही है कि जब आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल लर्न टू बिकम माइंडफुल अबाउट योर सराउंडिंग्स, अबाउट योर ओन एक्टिविटी, अबाउट योर बॉडी सिस्टम. तो जब आप माइंडफुल होंगे तो आप माइंडफुल ईटिंग भी करेंगे. ना ही आपके हाथ में जो खाना खाया आपने गपागप उसे खा लिया एंड लाइक यू नो यू आर डन फॉर द टाइम. यू विल बी माइंडफुल. और जब आप माइंडफुल रहेंगे तो आपको आपकी फूड जो इनटेक आप जो भी खाएंगे इन अ डे, whatever you eat, whether at your own house या किसी और के घर में जाके जो भी आप खाना खाएंगे, you will be mindful कि आपकी ये जो खाना आप ले रहे हैं, ये जो आहार आप ले रहे हैं, ये कितनी पौष्टिक है आपके शरीर के लिए. If it is healthy for your body, this can only happen if you do a regular meditation. तो ये guys इसका बहुत गहरा संबंध है, ना ही खाली खाने के साथ. Meditation एक ऐसी चीज है which will keep you linked to everything in life. You will have a very conscious existence. So this is also one of the benefits of meditation, that you will be very conscious about the food you intake, that you give to your body, and about the health benefits of the food that you are providing to your body. Next tip guys, jo maine observe kiya hai for the slim and trim people, that they are very good planners. Wo bahut achhi tarah se apne diet ko plan karte hain. वो बिल्कुल अपने दिमाग में तय कर लेते हैं कि उन्हें क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए एंड वो अपना एक डाइट चार्ट बना लेते हैं. व्हेन आई से डाइट चार्ट, मैं ये नहीं कहती कि अगर आपने मंडे को परवल की सब्जी लिखी है वो ही खाना है, बट दे बेसिकली नो कि ये फूड वी हैव टू गिव इट टू आवर बॉडी एज अ सप्लीमेंट एंड दीज आर द फूड दैट वी हैव टू अवॉइड. सो वो अपनी चार्ट पे रिस्ट्रिक्टेड होके ही रहते हैं. इसके लिए थोड़ी सी डिसिप्लिन बननी पड़ेगी. देखिए कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है. टिप गाइस जो मैं देना चाहूंगी इज समटाइम्स इंडल्ज इन फास्टिंग, अगर आपसे हो पाता है तो. देखिए ये फास्टिंग रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसकी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी, रेफर टू दैट. देखिए ये फास्टिंग एक ऐसी चीज है जो आप फोर्सफुली नहीं कर सकते. ये आप ये फास्टिंग में कर सकते हैं, भले आप 1 महीने में एक बार फास्टिंग कर लें. तो उससे क्या होता है, उससे फायदा क्या होता है, इट विल हेल्प यू इन रिड्यूसिंग योर वेट एंड सेकेंडली इट विल हेल्प इन योर बॉडी क्लेंजिंग सिस्टम.
सो गाइज दिस इज अ रैप अप. आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है एंड लेट मी टेल यू आई गारंटी कि मैंने जो इतने सारे आपको टिप्स दिए हैं उनमें से अगर आप 3 टिप्स भी फॉलो करेंगे रिलीजियसली यू विल बी एबल टू कीप योर वेट अंडर कंट्रोल. तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है देन गिव इट अ बिग लाइक एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स हु विल बी इक्वली बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो. एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है किस लिए वेट कर रहे हैं, गो डाउन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मेनी सच वैल्यू एडेड कॉन्टेंट्स. एंड साथ में टिंग टिंग आइकन को प्रेस करना ना भूलें बिकॉज दैट विल कीप यू अपडेटेड अबाउट ऑल माई लेटेस्ट नोटिफिकेशन. आई विल बी सीइंग यू सून विद माई न्यू कॉन्टेंट एंड टिल देन आप खुश रहिए एंड चुस्त रहिए. आई लव यू ऑल. अभी ऑल.